कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता के आयोजन का प्रचार प्रसार व शतरंज खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई मशाल रिले कार्यक्रम के ग्राउंड मास्टर श्री तेजस सुश्री अवंतिका और उनकी टीम का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना शामिल रहे। इस सच को पूरे विश्व ने मान लिया है और इसलिए 100 सालों में पहली बार चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले भारत में शुरू की गई और यह भारत के 75 जिलों का भ्रमण करेगी। जैसे ओलंपिक का घर ग्रीस को माना गया है और हर बार ओलंपिक की मशाल वहीं से शुरू होकर उस देश में पहुंचती है जहां भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, ठीक उसी तरह चेस ओलंपियाड की मशाल हर बार भारत से ही शुरू होगा और उस देश में जाएगी जहां चेस ओलंपियाड का आयोजन होना है। इस बार जब चेस ओलंपियाड भारत में होगा तो उसमें भाग लेने वाली 187 देशों की टीमें एक ही छत के नीचे बैठकर शतरंज के खेल में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण होगा। टॉर्च जो चेस से संबंधित है, चेस ओलंपियाड की हिंदुस्तान में, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र के अंतर्गत देश के विकास और देश की समृद्धि और देश के सम्मान की कामना की। चेस जो मूलतः हिंदुस्तान की धरती से ही उठता था, आज पुनः उसकी पहचान हिंदुस्तान में बन रही है। यानी प्रधानमंत्री जी ने जिस समय इसका रिले का उद्घाटन किया दिल्ली में, तो उन्होंने कहा हमारे देश ने पूरी दुनिया को हर क्षेत्र के अंतर्गत एक दिशा दी थी, एक काम करने का, खेलने का एक अवसर दिया था। आज सौभाग्य से ये टॉर्च हमारे देश में ही रहने वाली है। अभी चेन्नई में ओलंपियाड्स हैं जो 28 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार से 5 बार आनंद ने इस गोल्ड मेडल को जीता था चेस में, अब हमारे देश में टॉर्च रहे और हमारे देश को हमेशा अग्रणीय स्थान के ऊपर गोल्ड मेडल मिले, ऐसी शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे इसके चेस के अध्यक्ष प्रिय श्री संजय कपूर जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। उन्होंने अनटर्न मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, जिसके कारण आज इतने सफल आयोजन को कर सकें। मेरी पूरे चेस खेलने वाले खिलाड़ियों को और सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।